everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain short trick of division by 91. कैसे हम डिवाइड करेंगे 91 से किसी भी छोटे और बड़े नंबर को शॉर्ट ट्रिक के साथ, इसको देखते हैं इस वीडियो में. तो करते हैं वीडियो. देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 53 बाय 91. 53 को डिवाइड करना है 91 से. ओके अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 91 से बड़ा है या छोटा है. तो यहां पर 53 हमारा क्या है, छोटा है 91 से. ठीक है, तो इसलिए डेसिमल हमारा स्टार्टिंग में ही आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, उसकी फर्स्ट डिजिट तो क्या है यहां पर 5. ठीक है, इस 5 को प्लस करेंगे इस कंप्लीट नंबर के साथ, तो मतलब ये हो गया और हमें क्या मिला 58. ठीक है, और 58 जाएगा हमारे आंसर में लाइक दिस. ठीक, नाउ नेक्स्ट जो लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट क्या है हमारी 3, इससे करेंगे हम इसकी लास्ट डिजिट को माइनस, तो -1 इक्वल्स टू 2 और ये 2 भी हमारा जाएगा आंसर में. ठीक है, तो फाइनली आंसर इज 0.582. ओके, आंसर में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं और डेसिमल में आंसर आते हैं तो डेसिमल में आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर होते हैं. ओके, सो आई थिंक ये मेथड आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है. लेते हैं कुछ और एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट इज 103/91. यहां पर 103/91 से ग्रेटर है इसलिए डेसिमल स्टार्टिंग में नहीं आएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्योंकि 53 था लास्ट में तो हमने 5 को प्लस किया था फर्स्ट डिजिट को, बट यहां पर हम 2 स्टार्टिंग डिजिट्स को प्लस करेंगे कंप्लीट नंबर के साथ. मींस 103 प्लस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 113. ठीक है, ये जाएगा हमारा आंसर में 113. ओके, एंड नाउ 3 जो लास्ट डिजिट है इससे करेंगे -1 इक्वल्स टू 2, ये भी जाएगा हमारा आंसर में. अब देखिए डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है इसलिए 1 डिजिट को छोड़कर डेसिमल आएगा. ठीक है, तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया 1.132. ओके, आई होप समझ आया होगा ये एग्जांपल भी. लेते हैं एक और एग्जांपल, आप कोई भी रैंडमली लेकर कर सकते हैं एग्जांपल्स को. सपोज 227/91. ओके, अगेन बड़ा है 227/91 से तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नहीं आएगा और 227 में हम क्या प्लस करेंगे 22. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें 249. करेक्ट. ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डिजिट क्या है 7, 7-1 इज 6 और 2 के बाद आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो 2.496 हमारा क्या हो जाएगा आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 1024 इज डिवाइडिंग बाय 91. ठीक है, तो यहां पर भी 1024 इज ग्रेटर देन 91 तो मतलब डेसिमल स्टार्टिंग में नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम जो करते हैं, अभी 3 डिजिट जब हमने लिए 103 हमने किया था तो हमने 10 उसकी 2 डिजिट को प्लस किया था. यहां पर क्योंकि ये 4 डिजिट है तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, मींस 1024 में हम 102 को प्लस करेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए 1126. ओके, एंड 4-1 हो जाएगा 3. ठीक है, और देखिए यहां पर हमारा डेसिमल कहां आएगा, क्योंकि डिजिट्स बढ़ गए हैं तो डेसिमल हमारा आएगा यहां पर, मींस 11.263 इज द आंसर. ओके, आई होप ये सभी एग्जांपल्स कैसे हमने किए, कैसे हमने 91 से डिवाइड किया है, ये ट्रिक आपको समझ आई होगी. समझ आया है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा. तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई ट्रिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.